वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपको कान्हा जी के लिए पेटल्स ड्रेस बनाना सिखा रहे हैं। हमारे एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट आई थी कि जो हमने वैलेंटाइन डे पे मेकअप किया था उसमें हमने जो बाल गोपाल के लिए पोशाक बनाई थी, ये वाली पोशाक पहनाई थी, ये पोशाक वो कहते हैं कि हमें बनाना सिखाइए। तो आज हम आपको कान्हा जी के लिए इस तरह की पोशाक बनाना सिखाएंगे। ये बड़े बाल गोपाल की पोशाक है। इस तरह की हम आपको 0 और 1 साइज के कान्हा जी के लिए इस तरह की पोशाक बनाना सिखाएंगे। इसमें हमने 5 लेयर्स बनाई है बड़े में, और छोटे में हमने 3 लेयर्स बनाई है। तो अभी हम आपको 3 लेयर्स से बता रहे हैं। आप चाहे तो इसे मल्टी कलर से भी बना सकते हैं, जैसे हमने छोटे कान्हा जी के लिए 2 कलर से बनाई है ऐसे भी बना सकते हैं। तो आइए हम पोशाक बनाना स्टार्ट करते हैं। पोशाक बनाने से पहले हमने इस तरह से व्हाइट और पिंक कलर की चोली बनाकर रखी है। अगर आपको चोली बनानी नहीं आती तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। हमने चोली सेम उसी वे से बनाई है जैसे हम पहले ड्रेसेस की बनाते हैं। ये क्रोशिए के साथ बनी है। आगे जो इसकी हम लेयर्स बनाएंगे और लेयर्स में जो पेटल्स बनने हैं उसको हम पिंक और एक पेटल व्हाइट कलर्स में बनाएंगे। इसी तरह हमारी व्हाइट और पिंक आगे पूरा वर्क चलेगा। तो इसके अगली जो लाइन है वो हम पिंक कलर से बनाएंगे। देखिए यहाँ से हमने जो वी बन रखे हैं, इस वी का हम हाफ आधा वी उठाएंगे। यहाँ पर पहले हमने एक लाइन कंप्लीट करनी है, उसके बाद हमने पिंक कलर के पेटल्स बनाने हैं। देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट चेन है उसमें तो हम एक बार डबल क्रोशिया करेंगे, 2 चेन बना के एक बार डबल क्रोशिया, फिर उससे अगली चेन में 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे। पूरा वर्क इसी तरह चलेगा। पहले हम एक चेन में एक बार डबल क्रोशिया कर रहे हैं, उससे अगली चेन में 2 बार डबल क्रोशिया किया है। इसी तरह ये पूरी की पूरी रो कंप्लीट करनी है। जैसे आपको बता देते हैं, पहले एक बार डबल क्रोशिया एक चेन में, फिर उससे अगली चेन में 2 बार डबल क्रोशिया। इस तरह ये पूरी रो कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद धागा चेंज करने से पहले धागा चेंज करते वक्त 2 की चेन बनाएंगे और अपना धागा चेंज करके हमने अगली रो में पेटल्स बनाने हैं। ये जो हम 2-2 बार डबल क्रोशिया कर रहे हैं इससे इस रो में फंदे बढ़ जाएंगे। हमने ये चोली 7 की चेन से स्टार्ट करके बनाई है कान्हा जी के लिए। ये 0 और 1 साइज के कान्हा जी के लिए। अगर आप 4 और 5 नंबर ही कान्हा जी के लिए बना रहे हैं तो आप 15 फंदे से स्टार्ट करके चोली बना सकते हैं। इस रो को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम लास्ट में स्लिप स्टिच के साथ बंद कर देंगे। 2 हो गए, इसके अंदर से निकाल दिया। ये देखिए ये लाइन कंप्लीट हो गई। इससे अगली रो में अब हम धागा चेंज कर लेंगे। इस तरह से नोट लगा दीजिए। अब यहाँ 2 की चेन बनाएंगे। अब ये जो वी बन रहे हैं इसमें सबसे पहले हम ऊपर वाले वी में काम करेंगे और उसके बाद जो नीचे वाला हाफ वी है उसमें काम होगा। पहले ऊपर से देखिए, इस तरह से हमने ये वी उठाया और इसमें हमने 3 बार हाफ क्रोशिया बनाना है। हाफ क्रोशिया किस तरह से बनाते हैं, जिसमें हम 2 का 1 करते हैं। 2 हो गए, ये 2 का 1 कर दिया। फिर अगले में इसी तरह हाफ वी लेते हुए उसमें फिर से 2 का 1 कर देना है और एक बार और इसी तरह से हाफ क्रोशिया करेंगे। ये देखिए ये हमारा 3 बार हाफ क्रोशिया हो गया। अब इससे अगले में, इसे अगले वी में हमने 5 बार डबल क्रोशिया बनाना है। ये एक ही वी में हम 5 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसमें अलग अलग वी नहीं लेने हैं। 5 डबल क्रोशिया करने के बाद इसके बाद अगली 3 चेन में उसी तरह हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। ये हमारा एक पेटल बन गया। अगर आप पेटल थोड़े बड़े बनाना चाहते हैं तो हाथ थोड़ा लूज रख के बनाइएगा।
देखिए इस तरह से पैटल उठे उठे आएंगे। और इससे अगले में हमने तीन हाफ डबल क्रोशिया बना लिए। अब तीन के बाद हमें दोबारा हाफ क्रोशिया नहीं बनाना है, फिर अगले में पांच बार डबल क्रोशिया करके फिर उससे अगली तीन में तीन हाफ डबल क्रोशिया करना है। इसी तरह ये पूरी रो कंप्लीट करनी है। ये देखिए इसके पीछे पीछे जो वी छूट रहे हैं, इस तरह से पीछे वी आ रहे हैं, इसमें जब हम अगली रो बनाएंगे तो इसमें वर्क करेंगे। इस रो को कंप्लीट करने के बाद दिखाते हैं हम आपको। लास्ट में आके देखिए जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहीं से हम स्लिप स्टिच के साथ इसे बंद कर देंगे। और उसके बाद ये तो हमारी हाफ वी में रो कंप्लीट हुई थी, और जो हाफ वी बचा है उसमें हम अगली रो में, जैसे हमने पहले आपको बताया था, एक हाफ वी में हम एक बार डबल क्रोशिया कर फिर उससे अगले वी में हम दो बार डबल क्रोशिया करेंगे। अब सीधा कर लीजिए, देखिए नीचे से आराम से वी उठाया जाता है। उठा के इसमें हमने एक बार डबल क्रोशिया किया, फिर उससे अगले वी में हमने दो बार डबल क्रोशिया किया। इसी तरह ये पूरी रो कंप्लीट करेंगे। और इस रो में भी हमारे फंदे बढ़ जाएंगे, और जब हम फंदे बढ़ा लेंगे तो उसके बाद उसके ऊपर वाइट कलर के पेटल्स बनाएंगे। एक रो हमारी पिंक पेटल्स की आई है, उससे अगली रो हमारी वाइट कलर के पेटल्स से आएगी। जो हमने पेटल्स बनाने हैं उसका तरीका बिल्कुल ऐसा ही है जैसे हमने ऊपर रो में बनाया है। इस तरह आप इस रो को कंप्लीट करने के बाद वाइट कलर से पेटल्स बना लीजिए। उसी तरह पेटल बनाने के लिए हमने आपको पहले भी बताया था, पहले हमने तीन हाफ डबल क्रोशिए करने हैं, और तीन हाफ डबल क्रोशिए करने के बाद जब हम अगली चेन में जाएंगे तो उसमें पांच बार डबल क्रोशिया करना है। फिर से तीन हाफ डबल क्रोशिए करते हुए इसी तरह रो कंप्लीट करनी है। देखिए जब हम निचले हाफ वी में वर्क कर लेंगे जहाँ हमने फंदे बढ़ाए हैं तो ये इस तरह से आएंगे, और जब ये फंदे बढ़ गए हैं तो इसके ऊपर हम फिर से वाइट कलर के पैटर्न्स बना रहे हैं। जो पैटर्न्स बना रहे हैं ये हमारी सेकंड रो होगी, इसमें हम वाइट कलर के पैटर्न्स उसी तरह बना लेंगे जैसे हमने आपको पहले बताया था। इसमें हमने वाइट कलर ज्वाइन कर लिया है। ये भी हमने जो वर्क करना है ये हाफ वी में करना है। पेटल्स की जितनी भी हमने रो बनानी है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितनी रो बनाना चाहते हैं। जो पेटल्स वाली रो होंगी वो हाफ पी में बनेगी, और हाफ पी में जहाँ हम फंदे बढ़ाते हैं वो वाली रो बनेगी। ये हमने सेकंड रो भी कंप्लीट कर ली है। अब जो हम लास्ट रो बना रहे हैं वो हम थर्ड पे इसे बंद करेंगे। तो अगर आप और भी रो बनाना चाहते हैं तो उस रो के बाद ये वाली रो बनाइएगा, क्योंकि लास्ट की जो रो है उसमें थोड़ा सा वर्क चेंज है। अब स्टार्ट करने पे देखिए पहले जैसे हम बनाते हैं इसी तरह वी में से उठाते हुए तीन बार हाफ डबल हाफ क्रोशिया बनाएंगे। तीन चेन तीन हाफ वी में तीन बार हाफ डबल क्रोशिया बना लीजिए। एक बार और बनेगा, अब इसके अगले वी में पांच बार डबल क्रोशिया बनाना है। जैसे हमने पहले बनाया था सेम उसी तरह से पांच बार डबल क्रोशिया बना के उसके बाद अगले तीन वी में हाफ वी में मतलब उसी तरह से हमने हाफ डबल क्रोशिया करना है तीन बार, और उससे अगली जो पैटल बननी है उसमें थोड़ा सा वर्क चेंज करेंगे। तीन हाफ डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ पर हम एक चेन स्किप करेंगे, और उससे अगली चेन में हम पांच बार डबल क्रोशिया करेंगे। अब ये पूरी जब हम रो करेंगे इसमें इसी तरह होगा, तीन हाफ डबल क्रोशिया करने के बाद एक चेन स्किप करते हुए उससे अगली चेन में पांच बार डबल क्रोशिया। ये पांच बार डबल क्रोशिया हो गया, के बाद हमने तीन हाफ क्रोशिया बनाने हैं, फिर एक चेन स्किप करके उससे अगली चेन में पांच बार हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह ये पूरी रो कंप्लीट कर लीजिए। हमने यहीं पर ये लास्ट रो ही बनाई है थर्ड, इसे हम बंद कर देंगे लास्ट में जाके। अगर आप और वर्क बना रहे हैं तो पहले जो हमने रो बताई थी पेटल्स की उसी तरह बनाते हुए उससे लास्ट में जब रो बनाएंगे तो इस तरह से उस रो को बनाइएगा। ये देखिए
देखिए इस तरह से ड्रेस बनकर रेडी हो गई है। आप चाहें तो इस ड्रेस की तरह इसके ऊपर स्टोन्स भी लगा सकते हैं। आपको ये आइडिया कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।